हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल हम जान लेते हैं जो ये यूबीक्विटी का है। इसको देखो, लॉकडाउन में मैंने लिया है इसको, तो थोड़ा काफ़ी महंगा मिला है, दिल्ली से लेके आए थे मैं। और इसका जो वो है, एक तो ये यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। मतलब आप सोचोगे कि आप इस कहीं पर भी लॉग इन कर लो, इतना आसान नहीं है। या तो इसके ऐप के थ्रू लॉग इन करो या इसको पीसी के थ्रू। पीसी में भी कम से कम 160 MB का एक वो डलता है सॉफ्टवेयर, उससे ही लॉगिन हो पाता है ये। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब इतनी इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें दे रखी हैं कि मतलब एक उनको चाहिए नहीं, जो एवरेज कंज्यूमर है उनको नहीं इसकी ज़रूरत। ठीक है, वो आसूस की तरफ जाएं। वैसे इंस्टॉल करने के बाद तो ये मतलब एक बारी दिक्कत आती है, उसके बाद तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। सबसे अच्छी है गेमिंग के लिए, बहुत अच्छा है ये। इसमें बहुत ही अच्छा इसका हार्डवेयर लगा मेरे को, जो बिल्कुल लेटेंसी नहीं है बिल्कुल, आपकी मतलब लैग नहीं हो गई गेम। और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है आसूस से। आसूस बहुत महंगा है, वो 11.5-12 हज़ार रुपये का था लॉकडाउन से पहले। मैंने उसको मंगवाना चाह रहा था, मैं अपना क्या रिपीटर बनाना चाह रहा था उसको, थोड़ा काफ़ी दूर लगा हुआ है मेरे टीवी से तो। पर जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, अगर आप दो लगा लो पूरे घर में सफिशेंट है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है, इन 2.4 GHz बैंड और 5 GHz बैंड जो है वो एक ही उसमें शो करता है, मतलब दो एक ही SSID दिखाता है। जो ये भी अच्छा है कि बार बार आपको उसमें ना कनेक्ट करना पड़े, अगर आप इसके पास जाओगे तो ये अपना 5G में कनेक्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। दूर जाओगे तो 2G में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है।